लॉरेंस वर्सेस सलमान खान हुड़ हुड़ दबंग 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 मैं ऐसा स्टार्ट कर सकती थी गाइस लेकिन नहीं डर का माहौल है गाइस बच्चा बच्चा जानता है सब जानते हैं और नहीं तो क्या आपको क्या जहन में आता है ये क्या चल रहा है ये तो एक आतंकवाद की तरफ से बुरी बात अच्छा जो कहते हैं ना कि लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त नहीं हम कहते हैं कि वो सच्चा देशभक्त भी है सच्चा गोरक्षक भी है और सच्चा अपने धर्म की रक्षा करने वाला देशभक्त और सनातनी भी है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है क्या हो गया तुम्हें क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ तो बोलो भाई चाय चलेगी अच्छा जीप दिखाओ आ आ खत्म बाय बाय तो जो ऐसे धमकी दी जा रही है सर गलत बात अच्छी बात थोड़ी है हाँ गलत बात मतलब आप सलमान खान के पक्ष में हैं हाँ और अभी तो रुको मुसलमान है होगा तो पस में तो होंगे जो मुसलमान है तुम लोग गांडू लोग है गांडू लोग समझा सिर्फ यही वजह है कि वो मुस्लिम है इसलिए आप उनके पक्ष में उनकी वजह से उन्हें धमकी दी जा रही हिंदुस्तान में मुस्लिमों के साथ कोई अच्छी बात थोड़ा ही हो रही है बाजारी औरत ऐसे नहीं चलेगा वो बाजारी औरत बन जाए क्या इसको ठीक करना होगा बिल्कुल फर्जी डॉक्टर फिजा खलीफा इसको सही करना होगा और ये सनातनियों को करना होगा और ये जो हिंदुस्तान में मुल्ले मौलाना बैठे हुए हैं इनको सही करना होगा सही बात है इन मुल्ले मौलानाओं को अपने समाज वाले लोगों को समझाना होगा कि आतंकवादी को सपोर्ट करने वाला भी आतंकवादी होता है आगे बढ़ते हैं और ये बार बार हिंदुस्तान के अंदर जो रागनी गाई जाती है ना कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता कोई धर्म नहीं होता तो मेरे भाई उसको दफनाते गाय को ले जाके फूंक दिया करो कचरे में ले जाके लेकिन हकीकत प्रॉब्लम तो ये मुल्ले मौलाना ही है यही मस्जिदों के अंदर यही टीवी डिबेट के अंदर 24 घंटे बैठ के इस्लाम 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 के नाम का चूर्ण चटाते हैं और ये फिर हिंदुस्तानी आवाम खासतौर से आसमानी कौम इनकी बातों में आ जाती है और ये खुलेआम देखिए आप आतंकवादी भी होगा तो भी सपोर्ट करेंगे अगर मैं आपसे पूछूं आपने कहा कि वो मुस्लिम इसलिए हम उनके पक्ष में अगर कोई अपराधी मुस्लिम होता तब भी आप उसके पक्ष में होते बिल्कुल होता कोई अपराधी मुस्लिम होता तब भी आप उसके पक्ष में होते बिल्कुल होता तो मैं इन मोमिना को बोलना चाहूंगा आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला भी आतंकवादी ही होता है हाँ भाई हाँ। ये तो थी इंडियन मुस्लिम की सोच अब देखिए आप पाकिस्तानी मुस्लिम की क्या सोच है इस बात का कि सलमान खान ने उनकी हिरण को मारा है उनका जो जिसकी वो पूजा करते उसको कत्ल किया है तो सलमान खान अगर माफी का तलबगार है माफी मांगता है माफी मांग लेनी चाहिए उसको अगर वो माफी नहीं मांगता फिर उसकी भी उतार देनी चाहिए सलमान खान की हिरण ही पड़ी है मेरी बात सुनो ना आपको सलमान खान की पड़ी हुई है जो उन्होंने मारी अपनी फिल्मों में मारे बारे में इतनी बकवासें की अपनी बातें की इतनी बड़ी बड़ी तुझे उनकी फिक्र इसलिए तुझे दिखा दूं उनकी ये सब के सब मदरसे चाप है मोहर लगी हुई है इनके ऊपर मदरसे की भाई शोएब को कूट काट मत देना बाकी सब ठीक है अब आप एक और जाहिल से मिली है नाजिया इलाही ये आता क्या है स्वर्णेम मुझे पता नहीं लेकिन अपने आप को मुसलमान कहने वाली ये महिला मुझे ऐसा लगता है ना ये मुस्लिम है ना ये हिंदू है ये एक नास्तिक औरत है हिंदू मुसलमान तब होता है जब कुछ दाढ़ी वाले और कुछ मुसलमान लोग आ करके ये कहते हैं कि मुसलमान सोया हुआ शेर है जगा मत लॉरेन जगा देगा मुसलमान को तो पता चल जाएगा लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर हरकत करके उनको जन्नत मिल गई इंशाल्लाह ताला लॉरेंस तूने ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया अभी सोया हुआ शेर लॉरेंस के आगे कैसे गिड़गड़ाएगा देखे आप भी आनंद ले लॉरेंस एक मर्द का बच्चा है बहुत अच्छा इंसान और सच्चा है मैंने तारीफ कर दी अगर वो एक्सेप्ट नहीं किया तो गलत किया क्या काका मेरे को ये बताइए अच्छा बात नहीं है नाजी इलाही को कोई भी टॉपिक दे दे ये हिंदू मुस्लिम बीच में ले आती हैं मतलब अब लॉरेंस मेरा भी ये चले सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के केस में लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से भी ये मतलब मुसलमानों को तो कुछ नहीं कहा गया किसी भी मुसलमान को कुछ नहीं कहा गया उसका उसका इशू सलमान खान के साथ है अब सलमान खान के केस में भी देखा जाए तो सलमान खान ने जो अगर डिसरिस्पेक्ट की है वो लॉरेंस बिश्नोई और उसका मतलब वो काली हिरन का मामला है
क्या आपको लगता है कि इसमें हम हिंदू मुस्लिम लाकर आपको नहीं लगता कि मजीद मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ा देंगे? ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के मामले में। मुसलमान चाहे कोई भी हो, ये मुसलमान को सपोर्ट करता है, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो बम फोड़ के आ जाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हो 93 के बम धमाकों में हमला करने वाला याकूब मेनन, उसके जनाजे के अंदर लाखों लोग आए थे, लाखों लोग, और उसी मुंबई नगरी के आए थे जिस मुंबई नगरी में उसने धमाके किए थे। और कौन आए थे ये बताने की जरूरत नहीं है। एक आतंकवादी को इतना सपोर्ट करते हैं ये, और ये खातूना तो बिल्कुल मुंह पे बोल रही है ना, और इंट्रो में आप देख भी चुके हो। हाँ भाई हाँ। ये बात हम हिंदुओं को भी समझनी होगी अच्छे से कि हमें सपोर्ट करना चाहिए। और लॉरेंस बिश्नोई तो इस सलमान खान के मामले में तो कहीं भी गलत नहीं है, वो तो ये तक भी बोल रहा है कि अगर वो माफी मांग ले हमारे मंदिर में जाके तो हम माफ कर देंगे। You are right. अभी दो दिन पहले नाजिया इलाही जयपुर में थी, तो आपके भाई के साथ मिली थी नाजिया मैम, मैं और नाजिया मैम किटू राव साहिबा, हम तीनों खाटू श्याम जी के भी गए थे। देखो भैया, नाजिया मैम कितनी डाउन टू अर्थ है, छोटे से ढाबे पे रुकी है खाना खाने के लिए। क्या खा रहे हो मैम आप आज? आप आज मैं खा रही हूँ राजस्थानी कड़ी पकौड़ा और बटर गार्लिक नान। और ये दावत इनको दी है इन्होंने किट्टू भाई ने। हालांकि मैं पिक्चरें क्लिक कर रहा था इन लोगों की, लेकिन मैंने अपने साथ ही पिक्चर क्लिक नहीं की। वाह भाई वाह। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि लॉरेंस बिश्नोई की फैमिली प्राइम मिनिस्टर मोदी तक जा पहुंची है, और वहां पे जाके क्या उन्होंने रिक्वेस्ट की है या क्या इस केस में नई डेवलपमेंट हुई है, इसी के ऊपर आज बात करेंगे। जब अफजल गुरु के लिए राष्ट्रपति भवन जाया जा सकता है, जब याकूब मेमन के लिए को बचाने के लिए सारे कांग्रेसी पॉलिटिशियन खड़े हो सकते हैं, जब अजमल कसब की हिमायत करने के लिए कांग्रेसी पॉलिटिशियन खड़े हो सकते हैं, जब जाकिर नालायक जाहिल नालायक से गले लग लग करके और हगिंग और पप्पी किसी कर सकता है दिग्विजय कांग्रेस का गद्दावर नेता, दाऊद इब्राहिम के गोद में अदाकाराएं बैठ सकती हैं और दाऊद इब्राहिम के लिए कमर लचका सकता है सारा बॉलीवुड का हीरो, तो फिर लॉरेंस बिश्नोई के मामले को लेकर के उनके परिवार आदरणीय प्रधानमंत्री के पास क्यों नहीं जा सकते हैं? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के मामले को लेकर के कुछ लोग इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बना रहे हैं मानो जैसे उसने 93 बॉम्ब ब्लास्ट जैसा कुछ करवाया हो। क्या दाऊद इब्राहिम का 93 वाला बॉम्ब ब्लास्ट हम लोग भूल जाएंगे? 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, तो जब तक मतलब हिंदू मर रहे थे तब तक छाती नहीं पीटी जा रही थी। आज सलमान खान, क्योंकि वो सलमान खान है और उसको उसकी जान पर आई है, तो सब कोई छाती पीट रहा है। मतलब के बांग्लादेश में हिंदू मरे तो खुशी मुसलमान, पाकिस्तान में हिंदू मरे तो खुशी मुसलमान, सलमान खान को कुछ होगा तो दुख हो जाएगा मुसलमान को, याकूब मेमन को फांसी लगेगी तो दुख हो जाएगा मुसलमान को, अजमल कसब को फांसी लगेगी तो मुसलमान दुखी हो जाएगा, ओसामा बिन लादेन मरेगा तो मुसलमान दुखी हो जाएगा, लेकिन हिंदू मरेगा तब मुसलमानों को बड़ी खुशी होती है। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की बहू बेटियों को नंगा करके गैंगरेप किया जा रहा था, हिंदुओं की बहू बेटियों के ग्रेवान में हाथ डाल करके उनकी इज्जत लूटी जा रही थी, हिंदुओं के मंदिर को तोड़े जा रहे थे, हिंदुओं की देवी देवताओं की प्रतिमा को चूर चूर किया जा रहा था, मर्दों को पुरुषों को पकड़ पकड़ करके काट काट करके मारा जा रहा था, एक एक साथ 2,000 पुरुषों को बांग्लादेश के हिंदू पुरुषों को जलाया जा रहा था, तब तो मुसलमान बड़ा फातिया पड़ रहे थे। लेकिन इसमें तब तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिके यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन, तब तो पढ़ा जा रहा था। जब हिंदू मरता है तो मिठाइयां बढ़ती हैं, और एक सलमान खान जो मूर्ति पूजा करता है, एक सलमान खान जो गणेश विसर्जन करता है, आज इसके लिए बड़ा तकलीफ हो रहा है। अरे वो भी तो बुत परस्त है, मरने दो सलमान खान, चाहता क्या है। इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मुझे कमेंट बॉक्स में, मैंने इस दफा ऐसा किया कि जो कमेंट डेफिनेटली हजारों की तादाद में कमेंट्स आते हैं, बहुत से लोग आपकी बातों को पसंद करते हैं, लेकिन हमेशा मैं वो चीज उठाता हूं जिसे हम कुछ सीख सकें या जिसे अपने आप को बेहतर कर सकें, तो मैंने 2-4-5 कमेंट आपके लिए रखे हैं।
एक बंदे ने ये बोला है, मैं अपने अल्फाज में बोल रहा हूँ जैसे वो उन्होंने बोला है, उन्होंने ये बोला है कि भाई नाजी इलाही को कोई भी टॉपिक दे दे ये हिंदू मुस्लिम बीच में ले आती हैं। मतलब अब लॉरेंस, मेरा भी ये चले सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के केस में लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से भी ये मतलब मुसलमानों को तो कुछ नहीं कहा गया, किसी भी मुसलमान को कुछ नहीं कहा गया, उसका उसका इशू सलमान खान के साथ है। अब सलमान खान के केस में भी देखा जाए तो सलमान खान ने जो अगर डिसरिस्पेक्ट की है वो लॉरेंस बिश्नोई और उसका मतलब वो काली हिरन का मामला है। क्या आपको लगता है कि इसमें हम हिंदू मुस्लिम लाकर आपको नहीं लगता कि मजीद मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ा देंगे? सबसे पहली बात है कि बिश्नोई समाज जिस काले हिरन को अपना भगवान मानती है, सलमान खान ने, हजरत आला सलमान खान ने बिश्नोई समाज के भगवान को काट करके पका करके दारू के साथ चखने में खा लिया लौंडियाबाजी करते वक्त, तो हो गए ना हिंदू मुसलमान, मतलब काट के खा लोगे भगवान को, और बेटी मिलेगी तो उसको उसका कपड़ा फाड़ करके लूट लोगे, औरत मिलेगी तो काट करके फ्रिज में रख दोगे, हिंदुओं की मूर्ति प्रतिमा मिलेगी तो तोड़ दोगे, हिंदुओं की का मंदिर मिलेगा तो तोड़ दोगे, हिंदू अगर अपना अपना शोभा यात्रा करेंगे तो गोली मार दोगे, अगर कोई नुपुर शर्मा कुरान की कोई बात बताएगी तो जाकर कन्हैया का गला रेत दोगे। ये क्या बात है भाई, ये कब तक भारत के हिंदू बर्दाश्त करते रहेंगे? क्यों खाया सलमान खान ने काले हिरन को, क्यों उसने शराब के साथ काट करके खा लिया? ये तो सबसे पहला सवाल है ना। अब आती है बात कि हिंदू मुसलमान तब होता है जब कुछ दाढ़ी वाले और कुछ मुसलमान लोग आ करके ये कहते हैं कि मुसलमान सोया हुआ शेर है, जगा मत लॉरेन, जगा देगा मुसलमान को तो पता चल जाएगा। तब हमको बताना पड़ता है कि मुसलमानों के घर में आतंकी पैदा होना कोई शॉकिंग वाली बात तो है नहीं, मुसलमानों के घर में बलात्कारी पैदा होना कोई शॉकिंग वाली बात तो है नहीं, मुसलमानों के घर में पत्थरबाज पैदा होना कोई बड़ी बात तो है नहीं, मुसलमानों के घर में गाली गलौज गंदी गंदी देने वाला मर्द पैदा होना कोई शॉकिंग बात, कोई आश्चर्य वाली बात तो है नहीं। तो जो फैक्ट है सुनने में बुरा क्यों लगता है, करने में तो मुसलमानों को बुरा नहीं लगता है। जब इमाम रजवान मस्जिद के अंदर रेप करते हैं तब तो उनको बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब नाजिया बोलती है कि इमाम रजवान मस्जिद के अंदर रेप किया तब सुनने में बड़ा बुरा लगता है। जब नासिर खान गाड़ी के अंदर ले करके क्रिश्चियन लड़की का रेप करता है अपने छोटे भाई के साथ, रेप करते वक्त तो बुरा नहीं लगा, लेकिन जब नाजिया ने बोल दिया कि नासिर खान बलात्कारी है तब सुनने में बड़ा बुरा लगता है। तो आखिर ऐसी वजह क्या है कि मुसलमान को हर वो क्राइम, हर वो अश्लीलता का नंगा नाच, हर वो बदतमीजी, हर वो बेहूदगी, हर वो आवारगी, हर वो बदचलनी करने में अच्छा लगता है पर सुनने में बुरा क्यों लगता है? भाई करने में बुरा लगना चाहिए ना, बिल्कुल ऐसे में बुरा लगना चाहिए। मतलब ऐसा मैं कोई काम ही ना करूं कि मेरे ऊपर कोई सवाल उठा सके। मैं अगर मैं अपनी पर्सनल बात करता हूं, किसी के ऊपर मैं बात ही नहीं करता, और अगर मेरी कोई एक्टिविटी, मेरी कोई ऐसा, मेरा कोई भी ऐसा काम या कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी चीज सामने आती है तो डेफिनेटली लोग उसके ऊपर सवाल करेंगे और फिर मुझे उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। नादिया जी क्या कहना चाहेंगी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, आपको लगता है कि इस केस को, मतलब जाहिर बात है अपनी टीम के थ्रू या आगे जैसे भी है मैनेजमेंट के थ्रू, इस केस को आगे सीरियस लेके चलेंगे? क्योंकि ये जितना ज्यादा वायरल होता नजर आ रहा है, जितना ज्यादा इसके ऊपर बात लोग करते नजर आ रहे हैं, आपको क्या कहना चाहेंगी? ये हैरत वाली बात होगी कि कुछ ही दिनों में खबर सामने आए कि सलमान खान जेल की सलाखों के पीछे हैं। जाना ही चाहिए उसको, तो बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था जब उसने अपनी बहुत महंगी गाड़ी से, लग्जरी गाड़ी से गरीब हिंदुओं को कुचला था, तो उसको तो उसी वक्त सजाए मौत मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल सजाए मौत मिलनी चाहिए थी। भारत के अभी भी वो हिंदू हैं भारत में जिनका खून सफेद नहीं हुआ है, जो मजार में जाकर के चादर नहीं चढ़ाते हैं, जो वाकई में कट्टर हिंदू हैं, जो हिंदू योद्धा है, जो जानते हैं कि आखिर अर्जुन को क्यों शस्त्र उठाना पड़ा था, तो वो हिंदू तो सलमान खान को जेल की सलाखों में देखना ही चाहता है। अब मैं आपको बताती हूँ, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, बताया था कि शस्त्र और अस्त्र दोनों चीजों को समझना पड़ता है और मानवता उसी के साथ किया जाता है
जो मानवता करने के काबिल हो, लेकिन जब कोई आपके शासन को और कोई आपको खत्म करने की कोशिश करे तो शस्त्र भी उठाना पड़ता है। हालांकि अर्जुन कभी भी शस्त्र उठाना नहीं चाहते थे, वो मानवता पर ही भरोसा करते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि अगर वक्त पड़े और अपने शासन को, अपनी धरती को और अपने वजूद को, अपने आप को, अपने धर्म को, अपने सनातन को, अपने अपने योद्धाओं को अगर बचाना पड़े तो शस्त्र भी उठाना पड़ता है। और आज एक अर्जुन की जरूरत भारत को है, क्योंकि जिस हिसाब से हिंदू बेटियों की बोटियां कट रही हैं, जिस हिसाब से हिंदू बेटियों को लूटा जा रहा है, जिस हिसाब से लव जिहाद के नाम पर हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिस हिसाब से राम गोपाल मिश्रा ने भगवा झंडा लहराया तो उसके उसके सीने में 35 गोलियां दागी जा रही हैं, जिस हिसाब से कन्हैया का गला रेता जा रहा है, जिस हिसाब से कमलेश को मौत के घाट उतारा जा रहा है, जिस हिसाब से मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, जिस हिसाब से सनातन धर्म को मलाइन और डिफेम किया जा रहा है, एक अर्जुन की जरूरत तो है इस देश को। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपको भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।